अजमेर जयपुर जिला बार एसोसिएशन के बीच आयोजित हुई क्रिकेट प्रतियोगिता जिला बार के पुराने वकीलों की याद में आयोजित की गई प्रतियोगिता आज अजमेर में अजमेर जिला बार एसोसिएशन व जयपुर जिला बार एसोसिएशन के बीच राजस्थान जिला बार एसोसिएशन के तत्वाधान में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये प्रतियोगिता जिला बार एसोसिएशन के पुराने वकीलों की याद में आयोजित की गई। मैच गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के मैदान पर हो रहा है जिसमें अधिवक्तागण अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए। सर आज अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर HN सक्सेना मेमोरियल कप जो हमारी राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर और अजमेर बार एसोसिएशन के बीच में होने जा रहा है। कपिल माथुर जो हमारे बार काउंसिल मेंबर हैं उनका कॉल था एक महीने पहले कि ये मेमोरियल कप होना चाहिए। जो हमारे सीनियर लॉयर रहे HN सक्सेना साहब उनके बेटे जो महाधिवक्ता हमारे जयपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस आज भी कर रहे हैं उनकी स्मृति के अंदर जगमोहन जी सक्सेना साहब, तो ये जो हमारे आज आयोजन हो रहा है इसमें हमारे जो प्रिंसिपल साहब है गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर उनका काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने अपनी पूरी कम से कम सारे जितने भी अपने वर्कर थे सुपरवाइज़र थे कोच थे उनको भी इसमें लगाया है। और हमारे अजय त्रिपाठी जी समीर शर्मा साहब हमारे सेक्रेटरी बार अध्यक्ष और हमारे जो चरणजीत सिंह जी ओबराय साहब जो हमारे मेन इसके अंदर कार्यकारिणी हैं इनों का भी इसमें पूरा योगदान है। इस तरह पूरा एक आयोजन हमारा जो गेट टुगेदर टाइप कि हमारा जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर और अजमेर बार एसोसिएशन का जो हमारा संपर्क है जो इस तरह से है कि भाई पूरे अजमेर के अधिकतर वकील हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनों का भी एक इस तरह से मतलब हमारा जो मिलन का जो कार्यक्रम है दोनों ही तरीके से एक खुशी के माहौल के अंदर आज ये होने जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के अंदर। उद्घाटन पुरुषोत्तम जी अभी पधार रहे हैं आ चुके हैं वो इसका मेन जो हमारे हेड हैं जो आज वो उसका उद्घाटन करेंगे धर्मेंद्र चौहान एडवोकेट। ये राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से क्रिकेट है मैच वर्सेज अपने अजमेर बार एसोसिएशन का। हमारा अजमेर बार एसोसिएशन से पुराना ताल्लुकात रहा है। मैं मतलब 1983 का एनरोलमेंट है मेरा और मैं प्राइमरी मेंबर तो अजमेर बार एसोसिएशन का रहा हूँ। मेरे फादर जो थे 1951 में यहाँ पे प्रैक्टिस में आए थे हृदय नारायण जी सक्सेना और 92 तक उन्होंने एक्टिव प्रैक्टिस करी। 96 में उनकी डेथ हो गई थी। सिविल और क्रिमिनल का दोनों का काम करते थे वो और मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया था 1988 में राजस्थान हाई कोर्ट में। फिर मैं वहाँ पे गवर्नमेंट एडवोकेट हो गया फिर उसके बाद एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा 2008 तक फिर वापस से 2014 से भी 2019 जनवरी तक फिर वापस से एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा। तो उनकी मेमोरी में एक ये मैच ऑर्गेनाइज करा है कि जिससे ये याद बनी रहे कि जो पुराने स्टॉलवर्ट्स थे हाईकोर्ट मतलब अजमेर बार एसोसिएशन के उनकी याद में कुछ करा जाए। जैसे हमारे कपिल के ग्रैंडफादर और हमारे जगदम्बा प्रसाद के फादर चंद्रिका प्रसाद जी वो सब पुराने लोग थे और एक यादगार है मतलब हाँ कम से कम उनके नाम को हम आगे बढ़ा सकें। अच्छी खुशी हो रही है कि मतलब आज ये ऑर्गेनाइज हुआ मैच एडवोकेट्स में नए नए एडवोकेट्स आए हैं समों से मिलना हो गया। मेरा खुद का यहाँ पर आना बहुत पुराना टाइम से इंतज़ार था कि यहाँ पर आऊँगा। मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने BSc यहीं से करी है MCOM करी LLB करी मैंने यहाँ से और 1974 के बाद फिर मैंने लॉ करी अपनी यहाँ पे। कितनी टीमें भाग ली? दो टीमें हैं एक तो अजमेर बार एसोसिएशन है और दूसरी राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है। इन दोनों मैच है आपका? मैं जगमोहन सक्सेना और मुझे जब ये मालूम पड़ा कि मैच ऑर्गेनाइज हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि इस तरह का मैच यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है।